पोते की संगीत सेरेमनी में जमकर नाचे हीमेन धर्मेंद्र। पापा सनी देओल ने स्टेज पर दी जबरदस्त परफॉर्मेंस। चाचा बॉबी देओल ने चाची संग किया रोमांटिक डांस। करण देओल की संगीत सेरेमनी में जो धमाल हुआ उसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। देओल परिवार की तीसरी पीढ़ी की ये पहली शादी हो रही है और शादी में कहीं से कहीं तक कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही। देर रात करण देओल की संगीत सेरेमनी में देओल परिवार ने एक से बढ़कर एक परफॉर्मेंस दी। दूल्हा दुल्हन से लेकर दादा पापा चाचा भाई सब के सब नाचे। सबसे पहले बारी आई घर के मुखिया धर्मेंद्र की, जिन्होंने 87 साल की उम्र में भी खूब ठुमके लगाए। पोते की शादी के लिए धर्मेंद्र का एक्साइटमेंट देखते ही बन रहा था। अपने आइकॉनिक गाने मैं जट यमला पंगला दीवाना पर धर्मेंद्र खूब ठुमके। इसके बाद बारी आई दूल्हे के पापा सनी देओल की। सनी ने तो स्टेज पर ऐसी परफॉर्मेंस दी कि सब देखते रह गए। संगीत सेरेमनी में सनी अपने गदर वाले लुक में पहुंचे थे। सिर पर पगड़ी बांधे वो एकदम सरदार लग रहे थे। संगीत सेरेमनी में उन्होंने गदर के गाने मैं इत्थे दिल छोड़ आया पर ऐसा परफॉर्मेंस दिया कि लोग सीटियां बजाने पर मजबूर हो गए। इसके बाद बारी आई दूल्हे के चाचा बॉबी देओल और चाची तान्या की। दोनों ने पूरे माहौल को रोमांटिक बना दिया। स्टेज पर एक दूसरे की बाहों में दोनों ने बरसात के गाने हमको सिर्फ तुमसे प्यार है पर जबरदस्त परफॉर्मेंस दी। बॉबी और तान्या को देखकर साफ पता चल रहा था कि शादी के इतने सालों के बाद भी दोनों के बीच जरा भी प्यार कम नहीं हुआ है। इसके बाद बारी आई दूल्हे के दूसरे चाचा अभय देओल की। उन्होंने भी पार्टी में तड़का लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। फिर बारी थी दूल्हे करण देओल की, जिन्होंने अपने दादा के गाने मैं जट यमला पंगला पर खूब ठुमके लगाए। करण ने अपने भाई राजवीर के साथ स्टेज पर बढ़िया परफॉर्मेंस दी। इसी परफॉर्मेंस के बीच रणबीर सिंह भी कूद गए और फिर उन्होंने इस परफॉर्मेंस में चार चांद लगा दिए। इसके बाद होने वाली दुल्हन दृशा आचार्य ने भी परफॉर्म किया। हालांकि उन्हें देखकर लग रहा था कि डांस से उनका वास्ता कम ही है, लेकिन बावजूद इसके दृशा ने अपने होने वाले पति के सामने जबरदस्त परफॉर्म किया। देओल परिवार की यह संगीत सेरेमनी बहुत शानदार रही। और नहीं होती।